हेलो दोस्तों, स्मार्ट मीटर 20 जुलाई 2021 को सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया, जिसमें 3.5 करोड़ स्मार्ट मीटर ऑर्डर किए गए, जिसमें आज तक लगभग 67 लाख स्मार्ट मीटर इंडिया के अंदर लगाया जा चुका है। यानी इलेक्ट्रिक स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं इंडिया के अंदर। पहले जो मीटर हुआ करते थे हमारे घरों के बाहर, इलेक्ट्रिक मीटर जो हुआ करते थे, वो पोस्टपेड हुआ करते थे। अब जो लग रहे हैं वो प्रीपेड स्मार्ट मीटर लग रहे हैं। तो हम इसके इसमें बात करेंगे कि पोस्टपेड और प्रीपेड में फ़र्क क्या है। जैसे कि आप पहले जब फ़ोन लॉन्च हुआ था, तो उस टाइम हमारे पास एक सिम हुआ करता था, जो भी हो, एयरटेल हो, वोडा हो या एयरसेल हो, जो भी सिम हुआ करते थे उस टाइम के, तो हम पहले उसमें 10 या 20 या 100 रुपये का रिचार्ज करते थे। और उसके ऊपर कंपनी तय करती थी कि हाँ, 50 पैसे मिनट के हिसाब से आपका इसमें से पैसा काटा जाएगा। तो हम जितने मिनट बात करते थे, उस मिनट के हिसाब से हमारे पैसों में से, उन रिचार्ज में से पैसे काट लिए जाते थे। ऑटोमेटिक एक मिनट बात किए तो 50 पैसे है तो 50 पैसे कट जाते थे। जैसे 10 मिनट हमने बात किया तो 5 रुपये उसमें से कट जाया करते थे। तो यही सेम फार्मूला है स्मार्ट मीटर का, यानी प्रीपेड। तो जैसे हम रिचार्ज कर लेंगे, इसमें 100 रुपये डाल देंगे, तो उसके बाद क्या होगा कि जैसे हमारे यूनिट तय होगा कि इतने रुपये यूनिट, अपने सर्कल के हिसाब से तय होता है कि 3.75 पैसा यानी यूनिट के आपसे पैसा काटा जाएगा। तो 100 रुपये हम इस मीटर में रिचार्ज कर देंगे। रिचार्ज करने के बाद हम जितना यूनिट डेली खर्च करेंगे, उसके हिसाब से ऑटोमेटिक हमारा पैसा कटता रहेगा। तो ऐसे ही ये प्रीपेड वाला सिस्टम है। और हम बात करते हैं पोस्टपेड का। पोस्टपेड का मतलब ये हुआ कि हम देखो, जैसे कि आपको जितना भी खर्चा करना चाहते हो महीने में, खर्च कर लो, उससे गवर्नमेंट आपको कुछ नहीं रोकेगी, ना टोकेगी, कोई कुछ नहीं रोकेगा, टोकेगा, जितना खर्च करना है करो। आप जब आप कर लेते हो, खर्च कर लेते हो, तो उस मीटर में दिखा दिया करता था कि हाँ, इतना यूनिट आपने एक महीने में खर्च किया है, उसके हिसाब से आपके पास उसका बिल पहुँच जाया करता था। तो आप उसको बिल बाद में भरना पड़ता था, अब पहले भरना है। तो आई होप आप लोग ये प्रीपेड और पोस्टपेड का मामला समझ गए होंगे। तो चलिए, हम इसमें ज़्यादा मतलब इस टॉपिक पर बात नहीं करेंगे, इसको ज़्यादा लंबा लेकर नहीं जाएंगे। जो मेन मुद्दा है, वो मेन मुद्दे पे हम बात करेंगे। तो हम इसमें रिचार्ज करना सीखेंगे। तो आपके जब मीटर लगाया जाएगा, तो मीटर जो लगाने आएंगे वो आपको बता देंगे कि कौन सा ऐप आपको डाउनलोड करना है, कहाँ से रिचार्ज होगा। और एक आपको यूज़र कार्ड देंगे, एक कार्ड देंगे, उस कार्ड में एप्लीकेशन का नाम भी दिया रहेगा कि कैसे इसको, यूज़र मैनुअल बोलते हैं आई थिंक। तो उसमें आपको सब दिखा दिया जाएगा कि हाँ, कैसे उसको यूज करना है। वो आप पढ़ के भी उसमें से आप अपना एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और अपने स्मार्ट मीटर को रिचार्ज कर सकते हैं। तो चलिए, हम चलते हैं सीधे अपने मोबाइल स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि इसको कैसे रिचार्ज करना है, और आपको हम बताना स्टार्ट करते हैं। तो आप उस एप्लीकेशन को ओपन करोगे, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने नज़र आ जाएगा। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि आपका जो बैलेंस है वो माइनस में जा रहा है। कितना माइनस में जा रहा है, ये क्यों जा रहा है? तो ये एक्चुअली मेरा पहले मीटर लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे माइनस दिखा रहा है। आपको ऐसा माइनस नहीं दिखाई देगा कुछ यूज कर लेने के बाद, जैसे एक महीने के बाद ये माइनस में दिखाई नहीं देगा। मेरे पास जो बैलेंस रहेगा उसी में से कट आउट होगा, अन्यथा हमारा लाइट, हमारे घर में से कनेक्शन काट दिया जाएगा ऑटोमेटिक। तो रिचार्ज पहले करके रखना पड़ेगा, बाद में हमारा, जैसे पहले ही हम वीडियो में बात कर लीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं मीटर इन्फॉर्मेशन में मैं देख रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरा मीटर नंबर दिखा रहा है, ट्रैफिक कोड दिखा रहा है, कनेक्शन स्टेटस दिखा रहा है, यहाँ पे ग्रीन है। तो यहाँ पे जब आपके घर में से लाइट कट जाएगा, ये बैलेंस आपका जब जीरो हो जाएगा, तो यहाँ से रेड हो जाएगा, यानी आपके घर में से कनेक्शन कट जाएगा। और यहाँ पे बहुत सारे जो देखने को इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाते हैं, जैसे आप डेली कितना पैसा यूज कर रहे हैं, कितना रुपया यूज कर रहे हैं, सभी देखने को मिल जाएगा। एक्चुअली मुझे इस टॉपिक की बात नहीं करना है, किसी अगले वीडियो में इस पूरे एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे, अभी हम रिचार्ज के बारे में ही सिर्फ बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको रिचार्ज का फ्रंट पेज पे ही रिचार्ज का ऑप्शन दिख जाएगा। रिचार्ज पे क्लिक करोगे तो हम 50 रुपये का रिचार्ज करने वाले हैं। तो 50 रुपये यहाँ पे क्लिक करोगे, प्रोसीड पे क्लिक कर दोगे, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन में पे विया CCA वेन्यू, पे विया बिल्डेक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऊपर वाला पे क्लिक करोगे, पे विया CCA वेन्यू, तो इसी पे क्लिक करके यहाँ पे प्रोसीड पे आप क्लिक कर दोगे। उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने नज़र आएगा। तो उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि अपना ATM कार्ड नंबर डालोगे, यहाँ पे एक्सपायरी डेट डालोगे, यहाँ पे CVV डालोगे, मैक पेमेंट पे क्लिक करके आपके पास एक OTP आएगा, OTP फिल करके आप पेमेंट यहाँ से भी कर सकते हैं। हम एक्चुअली फ़ोन पे से करने वाले हैं, तो UPI का यहाँ पे है, उसको क्लिक करेंगे। उसके बाद ये QR कोड है, अगर दूसरा फ़ोन आपके पास है तो जनरेट QR कोड पे क्लिक करके आप एक कोड होगा और दूसरे फ़ोन से स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। तो UPI हम डालेंगे डायरेक्ट यहाँ पे, अपना UPI डालेंगे। तो हम पहले UPI डाल लेते हैं अपना। तो हमारा UPI है PSTIPS09YT@
YBL, तो UPI हम डाल लेंगे। उसके बाद हम वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे फिर अब मेक पेमेंट पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं फ़ोन पे के ऊपर हमारा नोटिफिकेशन आने वाला है, तो देखते हैं कब तक फ़ोन पे पे का आ गया है यहाँ पे नोटिफिकेशन। हम इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे ऑटोमेटिक पे का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे पे हम क्लिक करेंगे। हमारे पास 50 रुपये का यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद पे हम क्लिक करेंगे अपना, तो हम अपना UPI पिन डाल लेते हैं। वह पिन डालने के बाद सही पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा पेमेंट सक्सेसफुली हो गया है। यहाँ पे डन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर आईडी दिखा रहा है, ट्रांजेक्शन यहाँ पे आईडी दिख रहा है, बैंक रेफरल नंबर दिखा रहा है, अमाउंट क्रेडिट 50 रुपया क्रेडिट हो चुका है। यहाँ पे हमारा रिचार्ज कोड भी दिखाई दे रहा है। और बैंक पे हम क्लिक करेंगे। हम देखते हैं माइनस जो 62 था हमारा, अभी वो कुछ माइनस हुआ है कि नहीं हुआ है। तो फिर से एक बार इधर क्लिक करके हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो अभी यहाँ पे मेरा माइनस ही दिखा रहा है। तो हम देखते हैं कब तक हमारा जो पैसा ऐड हुआ है वो माइनस होता है। इसका इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा हमारे व्हाट्सएप जो चैनल है उस पर मिल जाएगा, हमारे व्हाट्सएप चैनल पे जो वीडियो का लिंक में मिल जाएगा, व्हाट्सएप चैनल का लिंक, और आप हमारे कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप हमें फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत ही जरूर जरूरी अपडेट देता हूँ, ज़्यादा उस पर बकवास बातें नहीं होती है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।